अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद चिंतलमेट इलाके में एक एक्स आर्मी का ऑफिसर रहता है और उसके बाजू एक गरीब मौस की बंडी चलाने वाले गरीब लोग रहते हैं, उस पर मुसलसिल जुल्म किया जा रहा है। ऐसा ये मोहम्मद हुसैन नामी नौजवान का कहना है। इनका कहना है कि ये ऑफिसर रहने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और कोई इनके आजू बाजू गरीब नहीं रहना, ऐसा इनका कहना है। क्या है ये सारी सच्चाई? मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सारे तफसीलात बताई। अब्दुल खालिद खान की ये रिपोर्ट देखिए। नहीं, बंडिया वंडिया लगा रहे तो प्रॉब्लम हो रहा, कहते ना आप लोगों ने हो रहा। कभी रोड बंद रही, रोड बंद रही। तो उनको तकलीफ अकेले होंगे हो रही खाली। नहीं, आप लोग इधर ही रहते, पूरी एज गली में रहते। वो घर है इनका, वो घर है इनका, बाजू का घर है और इनका पीछे घर है इनका, बाजू घर इनके बाजू, ये घर के बाजू वाले है ये, वो साहब वो बड़े वाले वो घर में रहते, ओनर है नो। हाँ, तो किराएदार से तकलीफ है इनकी। अच्छा, अभी पूरे घर वाले ओनर है, अंदर खाली जगह ले, किराएदार नहीं रहना वो। आप लोग क्या करते हो? बढ़ने होंगे पूरा किराए वाले खाली जगह ले। यहाँ पे साउंड पोल्यूशन, रात में वो गेट को कुत्ता बने हुआ रहता, साउंड पोल्यूशन दुनिया का है, भोंकते रहता है गेट को, मारा धड़ा धड़, नींद खराब, साउंड पोल्यूशन एक पर्दे कंप्रेशन हो गया पूरा, टीन फूट गया। मैं टीन का अंदर का वीडियो बना, अंदर का भी वीडियो बता, अंदर टीन फूट गया, बारिश में बच्चों को लेके कभी दिन तकलीफ। सुल्तानाबादी आपको बताया मेरा टीन फूट गया बोल के बोला, पूरा बारिश में मलबा मेरे घर में था तो बोला, मैं तकलीफ दिया इनको दिया, आप बोले कानून बर्दाश्त करो, बोले बर्दाश्त करा। मैं मोहम्मद हुसैन चिंतलमेट, मैं एक भंडी वाला हूँ, एक आर्मी वाला मेरे को 5 महीने से हरासमेंट कर रहा, ये बात करेगी मारने की धमकी, कार्ड डालने की धमकी, गैप करने की धमकी। एक बंडी वाला किराएदार अपने अपने घर में नहीं रह सकता, ये बता रहा हूँ, किराएदार नहीं रहना, बंडी वाला नहीं रहना। जो बंडी वाले से एलर्जी है उसको और किराएदार से भी एलर्जी है। हमारी गली में 25 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, आज तक कोई भी जाति मकान वाला कभी भी किसी के ऊपर ये नहीं कर लिए, लेकिन ये आर्मी वाला हमारी गली में आके 3-4 साल से हमारे को इतना तंग करके रखा हुआ है, बात करेगी मार डालता हूँ, बच्चों को ये कर डालता हूँ, तेरी बीबी ऐसी, तेरी बीबी वो, गलीज अल्फाज इस्तेमाल कर रहा, और पढ़ा लिखा है बंदा, इसलिए हो रहा है, उसका घर तामीर हो रहा था, जब मैं वहाँ पे मेरा कमर्शियल ऑटो मेरे घर के हस्बंदी में लगाने के बाद उसको उन्हें आके मेरे को बोला, ये ऑटो हटा यहाँ से, तू किराएदार एक ऑटो नहीं लगाना मेरी घर के हस्बंदी में, मैं ना ऑटो लगा सकता हूँ, ना गाड़ी लगा सकता हूँ, ना बाइक लगा सकता हूँ। यहाँ तक कि हद ये हो गई कि उसके घर में कुत्ता है एक, वो कुत्ते को लेके आ रहा, हगा दे रहा मेरे घर के पास, वो कुत्ते को लेके आ रहा, पेशाब करा दे रहा मेरे पास, वो घर का मलबा गिरा, घर बनाते वक्त पूरा टीन फूट गया, बच्चों को बारिश में लेके रह गया हमें, फिर भी मैं कंप्लेंट नहीं करा, सामने वाले को बोला नहीं, तकलीफ नहीं दिया, चलो पड़ोसी है, लेकिन हद ये क्रॉस कर दिया, कल रात में आके गैर गलत अल्फाज बोल के मेरे को मार डालता हूँ, काट डालता हूँ, तेरे को गैप कर डालता हूँ, तेरे भंडियों के ऐसे ये हो रहा, जबकि 200 फीट का लारी जाता मेरे भंडी रखने के बावजूद। मैं ये बताया साहब, मेरा टीन का काम चल रहा, टीन खोल दियो, मैं छप्पर खोल दियो, ये टीन का काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं मेरे अपने भंडिया अंदर लगा लूँ, तो भंडी वाला नहीं रहना बोल रहा, बंडी वाला और किराएदार नहीं रहना ये गली में। ये चिंतलमेट है, हनुमान मंदिर नियर, और भाई मकानदार तक अभी ये तक ये बात नहीं गई, क्योंकि मैं ज़्यादा इशू नहीं करना, क्योंकि पड़ोसी है, मिलजुल के रहना, बल्कि ये मकानदार तक अभी बात नहीं पहुंच। 5 महीने से सरासर तकलीफ़ों पे तकलीफ़ा दे रहा, और बात करी क्यों नहीं, आर्मी वाला है, मैं आर्मी वाला हूँ, मैं एजुकेशन हूँ, तेरे को उड़ा डालता हूँ, तेरे को ये गैप कर डालता हूँ, मैं होम मिनिस्टर करने जाता हूँ, होम मिनिस्टर मेरा दोस्त है, मेरा KTR मेरा दोस्त है, KTR के साथ उठना बैठना है मेरा, तू क्या देखा मेरे को, अभी बताया तो तेरे को, तू लौंडा है, हाँ
मैं ये चाह रहा हूँ वही होम मिनिस्टर से, जो होम मिनिस्टर अमीरों का है वही होम मिनिस्टर से ये चाह रहा हूँ कि गरीबों के लिए इंसाफ है नहीं है। और हमारे ये राजेंद्र नगर के पीएस वाले साहब जो है हमारे साथ इंसाफ करें, बस इतना ही चाह रहा हूँ। गरीब के साथ है नहीं है ये दे मालूम कर, मेरे पास कम से कम 25 है नहीं है ये दे मालूम कर, मेरे पास कम से कम 25 बंडी वाले हैं जिसके वजह से 150 से 150 घर चलता। मैं अगर हम लोग किराएदार नहीं रहना है, बंडी वाले नहीं रहना है, तो हर एक को होम मिनिस्टर साहब जो कि इनके अमीरों के माई बाप है वो हमारे को महीना 30-40 हज़ार रुपये दे, हम घर में बढ़ जाते और हमको घर अप्रमोट कराए। हम किराए के घर वाले हैं ना, हमको भी हक़ है जाती घर में रहने का, हमको घर प्रमोट कराए। हुकूमत है ना, ये हुकूमत का काम है सबको लेके चलना। हमारा वोट होना है बंडी वाला ठीक है, हमारा जब वोट का काम निकल गया, ये किराएदार, ये मकानदार, ये फलाना, ये ढमका, ये हमका, ये पूरे हुकूमत के गोद में ले लेके बैठने वाले बात कर रहे आर्मी वाले। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंतहाई तजुर्बेकार स्टाफ और बिल्कुल ही जदीद आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैनोकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक जैसे शोबाजात में इंतहाई काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अपॉइंटमेंट के लिए 9908035023 पर कॉल कीजिए। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 9900 ए ब्लॉक, सेक्टर 1, अलकापुर टाउनशिप, पोपालगुड़ा, मणिकोंडा मेन रोड।